हेलो फ्रेंड्स, VFX मैजिक चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे प्लेनर ट्रैकर यूज कर सकते हैं हम लोग न्यूक में, और ये बाकी ट्रैकर से कैसे अलग है और कैसे बेटर है कुछ मामलों में, तो ये भी देखेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक फुटेज है, तो वो फुटेज को देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक फुटेज है जहाँ पे एक यहाँ पे बोर्ड देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो इसको हम लोग चेंज करके देखेंगे कैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं और उसको कैसे पहले ट्रैक करना है प्लैनर ट्रैकर से। तो प्लैनर ट्रैकर लेने के लिए दो ऑप्शन है अपने पास। एक है सिंपल रोटो, एक नोड लेंगे और यहाँ पे हम लोग जाके एक शेप ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और उस शेप को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्लैनर ट्रैकर सिलेक्ट करना है हमें। तो जैसे प्लैनर ट्रैकर सिलेक्ट करेंगे तो प्लैनर ट्रैकर के जितने भी ऑप्शंस है ऊपर, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दूसरा एक तरीका है टैब प्रेस करके यहाँ पे प्लैनर प्लैनर ट्रैकर से ऐसे सिलेक्ट करके भी हम लोग ले सकते हैं। तो दोनों ही सेम है, तो दोनों तरीके से हम लोग प्लैनर ट्रैकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फुटेज को पहले देख लेते हैं। तो फुटेज में क्या है कि एक कैरेक्टर बीच में आ जाता है, राइट। और आप ये सोच सकते हो कि इस शॉट में तो हम लोग नॉर्मल 2D ट्रैकर से भी हम लोग ट्रैक निकाल के इसको ट्रैक कर सकते हैं। आप न्यूक में देखोगे तो बहुत ही अलग अलग किस्म का आपको ट्रैकर मिलेगा। कुछ 3D ट्रैकर है और कुछ 2D ट्रैकर है। आप नॉर्मल ट्रैकर भी यूज कर सकते हो, कॉर्नर पिन भी यूज कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑप्शन हैं जिससे हम लोग कोई भी चीज को ट्रैक कर सकते हैं, राइट। तो ये जो प्लैनर ट्रैकर है ये 2D ट्रैक के लिए ही यूज होता है, और नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये कोई भी प्लेन सरफेस को बहुत सही से ट्रैक करता है, राइट। लेकिन इस जो शॉट है, इस शॉट में आप अगर देखोगे तो हर एक पॉइंट जो है इसका, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड का 4 पॉइंट है, राइट, 1, 2, 3 और 4। ये जो 4 पॉइंट है कोई ना कोई फ्रेम में जाके ये कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये मतलब हाइड हो जाता है। अगर हम लोग 2D नॉर्मल ट्रैक लेके ट्रैक करेंगे, 4 पॉइंट ट्रैक लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये बीच बीच में हम लोग को जाके इसका जो पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा सिचुएशन में ये जो प्लेनर ट्रैक है बहुत ही सही काम करता है, और ये भी बहुत ही बढ़िया शॉट है प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो फुटेज है ये भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, तो आप वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ये फुटेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये कैरेक्टर नहीं होता और ये सिंपल ऐसे मूव करता हुआ हम लोग को अगर देखने के लिए मिलता तो ये बहुत ही इजीली ये ट्रैक हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक कैरेक्टर भी आ गया बीच में, तो ऐसा केस में इसको हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा पोजिशन सिलेक्ट करना है जहाँ पे ये चारों पॉइंट सही से दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्रेम जो है यहाँ पे बहुत ही सही से दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने शेप ड्रॉ कर चुका हूँ मैं। और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये सभी ऑप्शन वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला वाला है ट्रांसलेट, उसके बाद है स्केल, उसके बाद है रोटेशन, और ये शेयर है, और लास्ट में है ये प्रस्पेक्टिव। ये चारों ऑप्शन यूजुअली ट्रैकर में मिलता ही है हर ट्रैकर में, और ये बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। अगर आपको चाहिए कोई भी यहाँ से ऑप्शन अगर आपको हटाना है, ओनली आपको ट्रांसलेट चाहिए, तो इसको डिसलेक्ट जैसे करेंगे तो यहाँ से डिसलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो बाय डिफॉल्ट ऐसे सिलेक्ट है, मतलब ये डार्क ग्रे में दिखा रहे हैं तो ये सिलेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे सिलेक्टेड ही रहता है, तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट होना चाहिए ताकि हमें अच्छा ट्रैक मिले। दूसरा जो ऑप्शन हो गया, यहाँ पे दोनों साइड में आर दिख रहा है, राइट। तो यहाँ ये क्या है, अगर हम लोग बैकवर्ड मतलब इस साइड में हम लोग को ट्रैक करना है तो यहाँ पे रेंज दे सकते हैं, फ्रेम रेंज, जितना फ्रेम रेंज में हम लोग डालेंगे उतना फ्रेम रेंज में ये ट्रैक हो जाएगा। और सेम इस साइड भी है, तो यहाँ पे भी हम लोग, ये फॉरवर्ड है, राइट। तो फॉरवर्ड में हम लोग जो रेंज देंगे उसी रेंज में ये ट्रैक होना चालू हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड की तरफ। तो ये तो हो गया आर का काम। तो उसके बाद ये प्ले है, मतलब कंटिन्यूअस सभी फ्रेम में अगर ट्रैक करना है। उसके बाद
ये सिंगल सिंगल फ्रेम आगे या पीछे हम लोग को अगर ट्रैक करना है तो ये स्टॉप बटन है, राइट। तो ये क्या है, क्लियर ऑल ट्रैक डेटा। अगर सब ट्रैक डेटा हम लोग ने जो ट्रैक किया है उसको अगर रिमूव करना है तो ये ट्रैक डेटा यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल आगे की फ्रेम्स हम लोग ने ट्रैक कर लिया, और मतलब दोनों साइड से ट्रैक कर लिया फॉर एग्जांपल, और सिर्फ आगे का ट्रैक हमें डिलीट करना है, तो ये वाला जो है क्लियर ट्रैक डेटा फॉरवर्ड, मतलब ये सामने जितने भी ट्रैक डेटा है सबको डिलीट करने के लिए, तो इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम लोग ट्रैक करने के बाद ही हम लोग देखेंगे। तो प्रैक्टिकली हम लोग एक बार ट्रैक करके देखते हैं। तो ये अभी ये कैरेक्टर सामने से जा रहे हैं, राइट। तो ये सही से ट्रैक होगा कि नहीं पहले ये हम लोग देखना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ये सिंपल ट्रैक करके देखते हैं। ये कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट का ये वाला जो पॉइंट है, कुछ फ्रेम के बाद ये कैरेक्टर के लिए ये डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। और ये ट्रैक से स्लिप हो गया, मतलब ये इसका पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे, लेकिन ये स्लिप हो गया। तो ऐसा केसेस में हम लोग क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे आप मौका पहले मौका ट्रैक यूज़ किए होंगे तो आपको पता रहेगा कि अगर कोई भी ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसको कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जहाँ से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये शेप को ही डिलीट कर लेंगे। तो एक पहले फ्रेम में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसको पॉज हो गया। तो एक फ्रेम हम लोग सिलेक्ट करना है। तो अभी क्या करेंगे कि एक हम लोग यहाँ पे बोर्ड के लिए एक शेप ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये शेप मैंने ड्रॉ कर लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू में जाना है, न्यू ट्रैक लेयर बनाना है और इसका एक नाम दे देंगे, इसमें डबल क्लिक करना है और नाम दे देंगे कैरेक्टर, और इसी कैरेक्टर फोल्डर के अंदर हमें दूसरा एक शेप ड्रॉ करना है ऐसे, और ये एक गार्बेज मास्क रहेगा अपना, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में इसको नहीं करना है। तो ये है मेरा गार्बेज मास्क, और इसको मैं पहले क्या करूँगा, हर कुछ फ्रेम के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रफली एनिमेट कर लूँगा। तो मैं फटाफट में ये एनिमेट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो देखिए कैरेक्टर का मैंने अभी एक रफ रोटो कर चुका हूँ, और ये ऑलमोस्ट फुल फ्रेम में ही है जहाँ पे मेरा कैरेक्टर दिख रहा है। और एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि मैंने ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ही कंसंट्रेट किया है, और बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने रोटो नहीं किया, राइट। तो अभी फटाफट एक बार ट्रैक करके देखते हैं। तो ये जो लेयर है, ये दूसरा वाला लेयर जो हम लोग का ये बोर्ड के लिए हम लोग ने शेप ड्रॉ किया था, तो इस फ्रेम में आना है 129। तो यहाँ पे आने के बाद इसको हमें ट्रैक करना है। तो यहाँ पे है ऑल ट्रैक, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पीछे की तरफ इसको ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ट्रैक कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से दिखाता हूँ। तो आगे की तरफ मैंने ट्रैक कर चुका हूँ, और अभी करेंगे पीछे की तरफ। तो पीछे ट्रैक करने के लिए हमें सेम ऑप्शन यूज़ करना है जो हम लोग ने पहले आगे की तरफ ट्रैक करने के लिए यूज़ किया था। तो अभी मैं ट्रैक करूँगा पीछे की तरफ। तो ये पीछे की तरफ ट्रैक होने के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरा अभी ट्रैक हो चुका है पूरा फुल फ्रेम रेंज में। तो अभी हम लोग एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा हुआ है। तो देखिए ये ट्रैक बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है, और मेरा जो ये बोर्ड है, बोर्ड के साथ ही ये सही से ट्रैक हो रहा है। तो ये मेरा ट्रैक तो मिल चुका है, राइट। तो ट्रैक मिलने के बाद ये सही से ट्रैक हो रहा है कि नहीं, तो इसको देखने के लिए अभी क्या करेंगे, 129 नंबर फ्रेम में फिर से आएंगे, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन।
सेंटर प्लेनर सरफेस। तो जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करूँगा और प्ले करके देखूँगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा और बाकी जो फुटेज है वो मूव करता रहेगा। तो ये बस देखने के लिए है कि मेरा जो ट्रैक है वो सही जा रहा है कि नहीं। उसके बाद ये यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन बस यहाँ पे चेक करने के लिए है कि मेरा जो ट्रैक है वो सही जा रहा है कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं डिस्प्ले प्लेनर सरफेस। तो ये जो सरफेस एरिया है हम अपना ट्रैकर का, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आते हैं अपना जो पहला फ्रेम है उसमें। तो पहला जो फ्रेम है ये मेरा फ्रेम में, फर्स्ट फ्रेम में यहाँ पे येलो कलर दिखाएगा। तो ये येलो कलर से क्या मीनिंग होता है कि ये मेरा जैसे ही मैंने एक फ्रेम में मैंने शेप ड्रॉ किया वो मेरा अपने आप रेफरेंस फ्रेम एज अ रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो हम लोग अगर दूसरा फ्रेम में ये मैंने शेप ड्रॉ किया है इसलिए रेफरेंस फ्रेम एज ए पिक कर रहा है, लेकिन मेरा कोई दूसरा अगर फ्रेम में मैंने क्लीन प्लेट बनाया और उसको एज ए रेफरेंस फ्रेम यूज़ करना है तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये कैसे चेंज करना है ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। उसके बाद ये मैं ऑफ कर दूंगा। उसके बाद आता है और एक ऑप्शन है, तो ये है करेक्ट प्लेनर। तो ये जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि ये चार जो पॉइंट था, ये चार पॉइंट से चार ट्रैकर पॉइंट एक्चुअली जेनरेट हुआ है। और यहाँ से यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा इसको सेट कर सकता हूँ ऐसे। तो ये जो स्टेबलाइज है ये पहले हटा देता हूँ। तो कहीं पे भी अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक थोड़ा सा स्लिप हो गया या थोड़ा सा पोजीशन सही नहीं है तो यहाँ से जाके मैं थोड़ा सा ऐसे इसको सेट कर सकता हूँ। तो ये जो ट्रैकर जो पूरा ट्रैकर का पोजीशन है वो भी थोड़ा एक ही साथ चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है ये, इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन आता है तो वो क्या है, पहले यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक हमें ट्रैकर को देखने के लिए ही यूज़ होता है, एक ग्रिड आ जाएगा और इसको भी हम लोग प्ले करके देख सकते हैं कि ये अपना जो ट्रैकर है ये सही से मूव हो रहा है कि नहीं, राइट। ये भी व्यूइंग के लिए ही है, ये इसका बहुत ज़्यादा यूजेस ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आ गया, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे जिस फ्रेम में हम लोग ने शेप ड्रॉ किया उसको एज ए रेफरेंस फ्रेम यूज कर लेता है, राइट। लेकिन मुझे फॉर एग्जाम्पल 150 नंबर फ्रेम में मैंने या तो कोई भी दूसरा एक फ्रेम में मैंने क्लीन प्लेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल हाँ इस फ्रेम में मैंने एक क्लीन प्लेट बनाया जिसमें चारों पॉइंट्स सही से दिख रहा है और उसको एज ए मुझे रेफरेंस फ्रेम लेना है। तो हमें क्या करना है, ये वाला सेट करेंट फ्रेम एज ए रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया थोड़ा सा टाइम लगता है ये अपडेट होने के लिए, ये अपडेट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी जो मेरा पहला वाला फ्रेम था 129 नंबर फ्रेम, वो वहाँ से रेफरेंस फ्रेम शिफ्ट होके इस फ्रेम में आ चुका है, मतलब 120 नंबर फ्रेम में आ चुका है क्योंकि हम लोग ने 120 नंबर फ्रेम में क्लीन पेड रेडी किया है। तो इस फ्रेम को एज ए अभी रेफरेंस फ्रेम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया यहाँ पे की फ्रेम टू की फ्रेम, अगर जंप करना है तो यहाँ पे की फ्रेम वाला ऑप्शन भी है तो यहाँ पे जा सकते हो। और यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है गो टू रेफरेंस फ्रेम। हम लोग अगर कहीं दूसरा फ्रेम में यहाँ पे है जहाँ पे रेफरेंस फ्रेम नहीं है तो ये ब्लू कलर से ही वैसे भी हमें पता चल जाएगा कि ये रेफरेंस फ्रेम नहीं है। तो हमें डायरेक्टली रेफरेंस फ्रेम में अगर जाना है तो इसको बस सिलेक्ट करना है। तो अपना जो रेफरेंस फ्रेम है अभी तो हम लोग ने चेंज कर दिया 120, तो 120 में अपने आप आ जाएगा ये, तो हमें पता लग जाएगा कि 120 अपना रेफरेंस फ्रेम है। तो अभी के लिए मैं रेफरेंस फ्रेम फिर से 129 ही कर दूंगा। तो मैंने अभी फिर से 129 को एज ए रेफरेंस फ्रेम ले लिया। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो पहले देख लेते हैं। की लगाना है तो की लगा सकते हैं और की फ्रेम डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ से हम लोग कॉर्नर पिन या ट्रैकर जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये तो हो गया रोटो हम लोग ने कैसे ट्रैक निकालना है, लेकिन इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसको इम्प्लीमेंट अगर करना है तो ये वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेक श्योर कि ये जो अपना लेयर है ये लेयर अब हम लोग को सिलेक्ट होना चाहिए, आइदर ये लेयर नहीं तो ये बिजियर, तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट होगा तो चलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉर्नर पिन
हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है वो कॉर्नर पिन 2D। यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट और स्टेबलाइज ये अलग अलग ऑप्शन है। तो आपने को कौन सा पर्पस के लिए चाहिए तो यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। आगे आइडर हमें स्टेबलाइज करना है नहीं तो कॉर्नर पिन से इसको ट्रैक करना है। तो कॉर्नर पिन में हम लोग डबल क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हर एक ये अलग अलग चार ट्रैकर में अलग अलग की लगा हुआ है। मतलब ब्लू कलर है मतलब यहाँ पे ट्रैक है, राइट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो है रोटो अपना मास्क जो है, तो इससे ये जो कॉर्नर पिन है ये लिंक है, राइट। तो ये लिंक का कुछ एडवांटेज है। तो ये लिंक का क्या है मीनिंग, तो अगर हम लोग इन फ्यूचर हमें अगर ये जो शेप है इसको कुछ भी हम लोग चेंज करते हैं तो ये अपने आप कॉर्नर पिन में भी जो अपना वैल्यूज है तो ये भी चेंज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ पे ये लिंक है, राइट। तो अभी के लिए हम लोग कॉर्नर पिन को यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे। और एक मेरे पास दूसरा एक फुटेज है, यहाँ पे फायर एग्जिट लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूँ। तो मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है, सबसे पहले मैं रेफरेंस फ्रेम में आऊँगा 129 नंबर फ्रेम में, और कॉर्नर पिन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सेट टू इनपुट करना है। यहाँ पे एक मर्ज ले लेंगे, पहले देखते हैं कि ये कैसा पोजीशन हो रहा है। तो ये देखिए काफ़ी छोटा दिख रहा है, राइट। तो कॉर्नर पिन में जाएंगे हम लोग, सेट टू इनपुट कर देंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा मेरा जो चार पॉइंट था उसके हिसाब से। तो ये तो सेट हो चुका है, तो एक बार प्ले करके देखते हैं। तो देखिए ये जो बोर्ड है एकदम बहुत ही सही तरीके से मूव हो रहा है, राइट। तो ये हर फ्रेम में जाके देखेंगे तो हर फ्रेम में ये बहुत सही तरीके से मूव होते हुए दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे और इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे और एक ऑप्शन है ये ट्रैकर। अगर हमें कॉर्नर पिन नहीं चाहिए तो ट्रैकर के लिए क्या करना है, फिर से ये आयरर, ये यहाँ पे फोल्डर नहीं तो ये बीजियर, ये दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए और ट्रैकर हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो इवन ट्रैकर में भी आप देख पा रहे हो कि ये लिंक्ड है, राइट। तो सेम चीज़ें है कि यहाँ पे ट्रैकर में भी वही ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं ये ट्रैकर में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ट्रैकर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे चार ट्रैकर तो आ चुका है, राइट। यहाँ चार ट्रैकर बन चुका है लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसलेट रोटेट और स्केल है तो यहाँ पे ये जो बॉक्सेस है ये डिसलेक्ट, ये डिसलेक्ट होगा तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो हमें ये मैन्युअली जाके सबको सिलेक्ट करना है ऐसे। तो ये सब सिलेक्ट हो चुका है चारों ट्रैकर के लिए। और उसके बाद हमें ट्रैकर जो है ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैकर के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ तो वो जाके आप जरूर चेक कर लेना। अगर ट्रैकर के बारे में आपको पता नहीं है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए ट्रैकर भी हटा दूंगा। तो लास्ट में और एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं पहले सिलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल इस जो अपना मास्क है जो हम लोग ने प्लेनर ट्रैकर निकाला था इसको हमें यूज़ नहीं करना है। और ये मेरा एक बार फिक्स हो चुका है, इसको हमें इन फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आपको जो लिंक होते हुए देखने के लिए मिला था तो लिंक वाला हमें नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग बेक भी कर सकते हैं। तो बेक कैसे करेंगे, कॉर्नर पिन 2D है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है रिलेटिव और बेक्ड। तो जैसे सिलेक्ट करेंगे तो एक इंडिविजुअल नोड बन जाएगा जो यहाँ से लिंक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज करेंगे इन फ्यूचर तो यहाँ पे कॉर्नर पिन में कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर इन फ्यूचर हमें कुछ भी चेंज करना पड़ता है प्लेनर ट्रैकर में तो यहाँ पे हमें फिर से कॉर्नर ट्रैकर ये जेनरेट करना पड़ता है। और सेम चीज़ें है ये ट्रैकर के लिए भी। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रैकर, मैंने ट्रैकर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ट्रैकर आ चुका है, राइट। तो सेम ट्रैकर में भी है कि ट्रैकर में भी ये जो कनेक्शन है वो अभी नहीं है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, कॉर्नर पिन 2D जो रिलेटिव है वही मैं लूँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा यहाँ से जैसे पहले किया था और सेट इनपुट कर दूँगा। तो ये आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, ये कैरेक्टर जो है इसको बस रिवील करना है, राइट। तो रिवील हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं लेकिन मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस से इसको रिवील कर देता हूँ। एक रोटो नट लेंगे और एक
प्री मर्ज लेंगे, एक मर्ज नोड लूंगा और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। मेरा यहाँ से कनेक्ट करने के बाद और मैं सीधा इनपुट को देखूंगा और इसको एक रफली मैं रिवील कर दूंगा। तो मैं रिवील करने के बाद आपको फिर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक फ्रेम के लिए इसको कैरेक्टर को रिवील कर चुका हूँ एक बहुत ही रफली रोटो करके। तो इसको अगर हमें हर फ्रेम में अगर कैरेक्टर को रिवील करना है तो डेफिनेटली ये रोटो को हमें एनिमेट करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ही प्रिसाइज रोटो भी चाहिए। और रोटो करने के बाद भी एजेस में हम लोग का बहुत सारे काम रहेगा, तो वो सब हमें ध्यान आज नहीं देंगे। और हम लोग का जो इंटेंशन था कि प्लैनर ट्रैकर कैसे यूज़ करना है और उसका क्या काम है, कैसा सिनेरियो में हम लोग ये प्लैनर ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना था। तो आई गेस आप लोग को आज समझ में आ गया होगा कि प्लैनर ट्रैकर कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही था। आज का वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कॉमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।